आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैयत के नाम पे रोज़ा इफ्तार कराना कैसा है? देखिए, रोज़ा इफ्तार कराना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि गरीब मिस्कीन के लिए आदमी कोई सदका कर रहा है। रोज़ा तो एक अमीर आदमी को भी इफ्तार करा सकता है, यानी अमीर आदमी है, दौलतमंद आदमी है, इफ्तारी का बंदोबस्त किया सकता है। तो इस तरह का कोई इफ्तार है तो नहीं कर सकते, उनकी तरफ से मैयत की तरफ से नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैयत की तरफ से जो होगा वो सदका होगा, मैयत की तरफ से जो होगा वो सदका होगा, और सदका उनके लिए नहीं है जो सदके के मुस्तहिक नहीं है। अलबत्ता बतौर सदका कुछ गरीब मिस्कीन वगैरह को कोई आदमी इफ्तार कराना चाहता है तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है कि मैयत की तरफ से सदका करना, यानी मैयत के सवाब के लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं या जिन चीज़ों से सवाब पहुंच सकता है उन्हीं में से एक सदका है, और सदकतुन जारिया। तो अगर सदका करना है तो सिर्फ गरीबों वगैरह को आप खिला सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब नहीं हैं उनको मैयत की तरफ से आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।